पूर्वी दिल्ली का कल्याणपुरी इलाका शनिवार देर रात गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कल्याणपुरी के खिचड़ीपुरी में जिम पर तीन बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। लोगों के मुताबिक जिम ट्रेनर योगेश शनिवार को त्रिलोकपुरी स्थित इंदिरा मार्केट में अपनी गाड़ी ठीक करवाने गया था, जहां स्कॉर्पियो सवार युवक से गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर योगेश की कहासुनी हो गई, जिसके बाद देर रात तीन युवक बाइक पर सवार होकर योगेश के फिटनेस जिम पर पहुंचे और एक के बाद एक कई गोलियां जिम और आसपास की दुकानों पर बरसा दी। गोली बरसाते युवक पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जांच करने पर आरोपी की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी मन्नान कुरेशी के रूप में हुई, जिसकी योगेश से दिन में कहासुनी हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मामला ये जी परसों का है। परसों रात 1:20-22 पे तीन लोग आए थे बाइक पे, और जिसमें दो पीछे जो बैठे थे उन्होंने दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग की, लगभग 10-12 गोलियां चलाई हैं। उनके खोके भी पुलिस वाले लेके गए हैं, और उसके बाद वो तीसरा जो बंदा था बाइक पे उनके साथ बैठ के, वो लोग भागे इधर को और फिर वहाँ से गए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी है उनकी। मतलब दिल्ली में प्रशासन का कानून का कोई डर ही नहीं है। मेन रोड पे ट्रैफिक चल रहा था, 9-10 गोलियों मतलब 9-10 लोगों की हत्याएं हो सकती थी। ट्रैफिक था, सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक वाला उसके सामने से गुजरा है, तभी वो दिखाई दे रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि लोग खुल्ला खुल्ला निर्भीक है, यहाँ कानून का डर नहीं है बिल्कुल। उनकी कुछ मतलब पार्किंग को लेके वहाँ पे ही कहासुनी हुई है। तो वो जो दूसरी गाड़ी वाला था उस पर स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जो मन्नान करके है कोई त्रिलोकपुरी का, तो उन्होंने वहाँ पे तो बहस हो गई। फिर ये अपने इधर अपनी गाड़ी लेके आ गया, घर आ गया इनका, वहाँ पे हो गया। तो फिर उसके बाद में उसका फोन आता है कि तू कहाँ रहता है भाई। उस जो गाड़ी वाला गाड़ी सर्विस वाला उसके नंबर वंबर लिया होगा इसका, तो वहाँ से फ़ोन करता है तो कौन था कहाँ पे रहता है। तो फिर जैसे उसे पता चला तो इससे बोलने लगा, अभी आ रहे हैं हम तुझे वहाँ पे खिचड़ीपुर में ही उठाने। तो वहाँ यहाँ पे आए हैं पहले वो 40-50 लड़के आए हैं 12 बजे के आसपास। तो फिर आसपास के लोग भी जब तक 12 बजे तक जगी रहते तो इनका छूट छोड़ाव करा दिया और फिर वो वापस चले गए। तो उसके 1 घंटे बाद, करीबन 1:20 बाद, 1:22 की घटना वैसे, तो वो तीन लड़के आए हैं, रुमाल बांधा हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, उन्होंने दो पिस्टल है उनके हाथ में, तो उन्होंने कम से कम 9-10 राउंड फायर किया है।